तनुष्का गर्ग का भी रुख कर लेते हैं, दिल्ली से जानकारी साझा कर रही हैं। वो ये है कि आज दिल्ली में सबसे कम तापमान सफदरजंग वेदशाला में दर्ज किया गया है, जो तापमान 1.9 डिग्री का है। यानी कि दिल्ली में रोज ही ठंड एक नए तरीके का रिकॉर्ड जो है वो सेट कर रहा है। लोगों मौसम विभाग ने जो है ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की तरफ से ऐसी जानकारी आई है कि 11 से लेकर 13 जनवरी तक हवाओं की दिशा की वजह से हो सकता है लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिले, मगर 11 जनवरी तक रोजाना ही लोगों को ठंड का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा जो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कोहरे की स्थिति है, इसकी वजह से लोगों को और भी कई सारी दिक्कतें आ रही है। और दिल्ली में सिर्फ एक या दो नहीं बल्कि 3 तरीके से लोगों पर अटैक आ रहे हैं, एक तो कोहरे का, दूसरा प्रदूषण का, तो वही तीसरा ठंड का। क्योंकि ठंड ज्यादा होने की वजह से हवा में नमी ज्यादा हो जा रही है, इस वजह से प्रदूषण का जो स्तर है उसमें भी इजाफा होते हुए देखने को मिल रहा है। हाल ही में CAQM ने दिल्ली में ग्रैब के 3रे चरण को भी इंप्लीमेंट किया है, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यहाँ का जो प्रदूषण का स्तर है वो बेहद गंभीर श्रेणी को तक पहुंच चुका है। और लोगों के लिए ना सिर्फ ठंड बल्कि एक तरीके से स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ज्यादा हानिकारक भी हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से ठंड के साथ साथ जो है लोगों को अब प्रदूषण को भी ध्यान में रखकर घर से बाहर निकलने का सोचना होगा। इसके अलावा लगातार जो प्रशासन है वो ठंड को देखते हुए रैन बसेरों का इंतजाम कर रही है, जो लोग बेघर है, क्योंकि हर मौसम की अपनी चुनौतियां होती है। तो वैसे ही ठंड में जो है एक तरीके से जान बचाने को लेकर के लोग बहुत ज्यादा बेचैन रहते हैं। हाल ही में कानपुर से ऐसी जानकारी मिली थी कि वहां पर ठंड में हार्ट अटैक की वजह से 25 लोगों की जान चली गई थी। यानी कि एक तरीके से लोगों को इस बात का ध्यान रखना होगा, ध्यान ही नहीं बल्कि बेहद ध्यान रखना होगा कि अगर वो घर से बाहर तभी निकले जब बहुत ज्यादा जरूरी हो, वरना गैर जरूरी कामों के लिए वो घर से बाहर निकलना बिल्कुल ही बंद कर दे। इसके अलावा यहाँ पर IMD के मुताबिक जो एयरपोर्ट है और जो रेलवे स्टेशन है वहां पर विजिबिलिटी 0 से लेकर 50 मीटर तक दर्ज की गई है। यानी कि जो यातायात है उस पर भी ठंड का एक गहरा प्रभाव पड़ते हुए देखा जा रहा है। बहुत सारी जो ट्रेनें हैं वो डिले हो गई हैं, करीब जो है 42 ट्रेन जो है वो डिले चल रही हैं। यात्रियों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, किसी को कहीं पहुंचना है तो वो बहुत ज्यादा देरी से पहुंच रहे हैं, एक एक दो दो दिनों की देरी पर जो है लोग अपने अपने मंजिल तक पहुंच पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ठंड की वजह से परेशानियां जो है बहुत ज्यादा